अरे गाइस यार ये क्या, इतनी सारी सरकटी लाश यहाँ पे कैसे आ गई और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अरे हाँ गाइस, अपना शिनचैन तो एकदम सही कह रहा है, यहाँ पे इतनी सारी सरकटी लाश कैसे आ गई और ये सारे मिलके अपने शिनचैन के साथ क्या कर रहे हैं? लगता है कि ये सारे मिलके अपने शिनचैन के साथ कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं जिसके बाद इन सभी सरकटी लाश का कोई फायदा होने वाला है। लेकिन गाइस यार मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं अपनी जगह से तो हिल ही नहीं पा रहा। अरे फ्रैंकन भाई जहाँ कहीं भी हो जल्दी बचा लो यार। अरे गाइस यार ये क्या, मुझे इतना ज्यादा दर्द कैसे हो रहा है और मैं यहाँ पे बेहोश कैसे हो गया? एक सेकंड, मुझे तो अपने शिनचैन ने मारा था, लेकिन गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मुझे शिनचैन ने मारा क्यों, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे उठना पड़ेगा। अरे गाइस यार फाइनली मैं यहाँ पे उठ चुका हूँ, लेकिन ये क्या, यहाँ पे मेरा इतना सारा खून कैसे आ गया? और गाइस यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अपना शिनचैन गया कहाँ पे, शिनचैन मेरे भाई तू कहाँ पे है? अरे गाइस यार अपना शिनचैन तो पूरे घर में कहीं पे भी नहीं है। अरे गाइस कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने शिनचैन के गायब होने के पीछे सरकटी लाश का हाथ हो? अपने फ्रैंकलिन का शक तो एकदम सही निकला, सरकटी लाश ने ही अपने शिनचैन को पकड़ा हुआ है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे दो शिनचैन कैसे आ गए? लगता है कि सरकटी लाश ने अपनी ब्लैक मैजिक से एक और शिनचैन को जन्म दे दिया। हे भगवान ये क्या दिन देखना पड़ रहा है, एक सेकेंड के अंदर मेरा जुड़वा भाई कैसे आ गया? अरे कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? अरे मैं तो शिनचैन हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और ज्यादा फालतू मत बोलो वरना तोप से उड़ा दिए जाओगे। और इसी के साथ सरकटी लाश इस वाले शिनचैन को भेज देती है अपने फ्रैंकलिन के पास, और इसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा बिजली निकल रही है। ये शिनचैन तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, लगता है कि अब फ्रैंकलिन नहीं बचने वाला। और ये क्या, देखते ही देखते इविल शिनचैन अपने फ्रैंकलिन के पास आ जाता है, लेकिन अपना फ्रैंकलिन इस बात से अनजान है कि वो इविल शिनचैन फ्रैंकलिन को मारने वाला है। अरे गाइस यार ये क्या, सामने से तो कोई आ रहा है, लगता है कि ये अपना शिनचैन ही है। शिनचैन मेरे भाई जल्दी आ। और ये क्या, शिनचैन तो फ्रैंकलिन के पास पहुंच जाता है और देखते ही देखते इसने फ्रैंकलिन के ऊपर आरपीजी चला दी, लगता है कि फ्रैंकलिन का नामो निशान मिट गया। अरे गाइस यार ये क्या, ये शिनचैन को क्या हो गया और वो मुझे मार क्यों रहा है? लेकिन गाइस मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा वरना मैं यहाँ पे पूरा जल जाऊंगा। लेकिन गाइस यार एक सेकंड, मैं यहाँ से कैसे भागूं, क्योंकि यहाँ पे तो चारों तरफ पे आग लग गई और अपना शर्मा जी का मकान तो पूरा जल गया। अरे गाइस यार ये क्या, शिनचैन तो मुझे आरपीजी मार रहा है, लेकिन अपने शिनचैन को हुआ क्या है? शिनचैन भाई क्या हुआ? अरे गाइस अपना शिनचैन तो बात ही नहीं सुन रहा, कहीं किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया या फिर अपना शिनचैन है ही नहीं? अरे गाइस मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा वरना मुझे शिनचैन मार देगा। अरे गाइस यार ये क्या, ये शिनचैन तो मेरे पीछे ही पड़ गया, लगता है कि ये मुझे मारने के बाद ही छोड़ेगा। फ्रैंकलिन भाई रुक जाओ, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं आपको जान से ही मार दूंगा। अरे गाइस यार ये क्या, यहाँ पे तो एक प्लेन खड़ा हुआ है, एक काम करते हैं जल्दी से इसमें बैठ के निकल लेते हैं वरना अपना शिनचैन नहीं छोड़ने वाला। चल चल जल्दी से चालू हो जा। और देखते ही देखते अपना प्लेन तोड़ भी गया। गाइस यार लगता है कि अब हम शिनचैन से बच जाएंगे। लेकिन गाइस यार अब हम जाए कहाँ पे, क्योंकि पूरी लॉस सैंटोस में तो मुझे शिनचैन ढूंढ ही लेगा। अरे गाइस यार एक काम करते हैं, अपन लोग जल्दी से अपने ट्रैवल के गांव में चलते हैं, क्योंकि वहां तक शिनचैन कभी नहीं आ पाएगा। अरे गाइस यार एक सेकंड, ये मेरे प्लेन के साइड में कौन बैठा है? अरे नहीं गाइस यार ये शिनचैन कैसे आ गया? और गाइस यार ये क्या, प्लेन की ब्रेक तो फेल हो गई, सामने में कितने सारे पेड़ है। अरे नहीं गाइस अपना प्लेन तो क्रैश हो गया। अरे गाइस यार ये क्या, अपना प्लेन तो क्रैश हो गया और अपने फ्रैंकलिन को तो चोट लगी है, हमें कैसे भी करके यहाँ पे उड़ना पड़ेगा। और ये क्या, लगता है कि फ्रैंकलिन ने भागने में देरी कर दी, क्योंकि इविल शिनचैन अपनी आर्मी के साथ आ चुका है। लेकिन एक सेकंड, इनके अंदर से तो आग भी निकल रही है, लगता है कि ये सारे इविल शिनचैन को ज्यादा ही खतरनाक है और अब फ्रैंकलिन का बचना नामुमकिन है, क्योंकि शिनचैन फ्रैंकलिन ने सरकटी लाश को जिंदा दफना दिया था और अब वो इन दोनों से चुन चुन के बदला लेगा। और ये क्या, देखते ही देखते इविल शिनचैन फ्रैंकलिन को मारने लगते है। अरे गाइस यार ये क्या, मुझे शिनचैन क्यों मार रहा है? और एक सेकंड, इतने सारे शिनचैन कहां से आ गए और इनके मुंह से आग कैसे निकल रही है? अरे गाइस मुझे यहां पे कुछ गड़बड़ लग रही है, शिनचैन मेरे भाई छोड़ दे मुझे। और ये क्या, देखते ही देखते सारे इविल शिनचैन ने अपने फ्रैंकलिन को गोदी में उठा लिया, जहां पर जाके ये अपने फ्रैंकलिन को और भी ज्यादा
ज्यादा मारने वाली है। अरे इविल शिनचैन, तुम सही कह रहे हो यार, सबसे पहले हम इनकी टांग काटेंगे, उसके बाद हाथ भी काटेंगे। अरे गाइस यार एक सेकंड, यहाँ पे ये कैसी बातें चल रही है। अरे फ्रैंकलिन आज तू नहीं बचने वाला, हम तुझे सारे मिलके जान से मार देंगे। शिनचैन मेरे भाई तू कैसी बातें कर रहा है, गाइजर पक्का शिनचैन के साथ कुछ हुआ है, और मेरे हिसाब से ये सारे शिनचैन असली नहीं है, तभी ये मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे सुनो साथियों, किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इनके हाथ पैर बांध दो, आज हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अरे गाइस यार मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सारे इविल शिनचैन मुझे जान से मार देंगे। एक काम करता हूँ, जल्दी से अपने स्टीव को फोन करता हूँ ताकि वो मुझे आके बचा ले। स्टीव मेरे भाई जल्दी फोन उठा। तो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ गाइस अगर आपको इस वाली सीरीज का पार्ट 5 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।